नगर परिषद में गुरुवार को फायर एनओसी को लेकर हंगामा हो गया। फायर एनओसी को लेकर विगत कई दिनों से चक्कर काट रहे पीड़ित पक्ष ने गुरुवार को नगर परिषद के कर्मचारी पर अपने कक्ष में एक एसी और इन्वर्टर लगाने की मांग करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इस दौरान जयन के कक्ष में हाथापाई तक की नौबत आ गई और पीड़ित पक्ष की ओर से अभद्र भाषा का भी उपयोग किया गया। हंगामे की जानकारी मिलते ही नगर परिषद के कई कर्मचारी तथा पार्षद जयन के कक्ष में पहुंचे तथा हंगामा कर रहे पीड़ित पक्ष के लोगों को कक्ष से बाहर लाकर उन्हें समझाते हुए मामले को शांत करने का प्रयास किया। मामले को लेकर जयन तथा पीड़ित पक्ष के लोग आयुक्त विकास कुमावत के कक्ष में पहुंचे तथा अपना अपना पक्ष रखा। मामले की नजाकत को देखते हुए नगर परिषद की ओर से पीड़ित पक्ष को हाथों हाथ फायर एनओसी जारी की गई। जानकारी के अनुसार 2 दिसंबर को बाड़ी घाटी में लगी आग में नोंदरी मालदेव निवासी शंकरलाल मेघवाल का एक ट्रेलर संख्या RJ36GA4946 भी जल गया था। बीमा क्लेम के लिए ट्रेलर मालिक शंकरलाल ने नगर परिषद में फायर एनओसी के लिए आवेदन किया था। पीड़ित शंकरलाल के अनुसार एनओसी के लिए उन्होंने फायर अधिकारी लक्ष्मी नारायण भाटी तथा जयन अंजुमन अली अंसारी से सोमवार को संपर्क किया तो उन्होंने गुरुवार को आकर एनओसी ले जाने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान फायर अधिकारी भाटी ने उससे कमरे में एक एसी तथा इन्वर्टर लगवाने की मांग की। इस पर पीड़ित ने असमर्थता जताते हुए 5,000 देने की पेशकश की। नगर परिषद से फायर एनओसी के लिए चक्कर काटने से परेशान पीड़ित ट्रेलर मालिक शंकरलाल गुरुवार को अपने परिचित पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत के साथ नगर परिषद पहुंचा। गुरुवार सुबह नगर परिषद पहुंचे वीरेंद्र सिंह रावत तथा शंकरलाल ने फायर एनओसी के लिए लक्ष्मी नारायण भाटी से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने मोबाइल रिसीव नहीं किया। इस पर पीड़ित शंकरलाल मेघवाल ने इसकी शिकायत उनके उच्च अधिकारी जयन अंजुमन अली अंसारी को शिकायत की तो उन्होंने एक बार फिर 28 दिसंबर को आकर ही फायर एनओसी ले जाने की बात कहते हुए उन्हें टरका दिया। इस बात की जानकारी जब वीरेंद्र सिंह रावत को हुई तो उन्होंने जयन अंसारी के कक्ष में पहुंचकर उनसे इस संदर्भ में बातचीत की तो उन्होंने एक बार फिर 28 दिसंबर को ही एनओसी देने की बात दोहराई। इस पर वीरेंद्र सिंह रावत ने जब जयन अंसारी को पीड़ित को नाजायज तंग परेशान करने की बात कही तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अभद्र भाषा का भी उपयोग किया गया। काफी देर तक चली गहमा गहमी के बाद आयुक्त विकास कुमावत के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित ट्रेलर मालिक को एनओसी जारी की गई। आयुक्त विकास कुमावत ने बताया कि संबंधित कर्मचारी के आज अवकाश पर होने तथा फाइल उनकी अलमारी में होने के कारण यह मामला हुआ है। पीड़ित ने एनओसी को लेकर आक्रोशवश कुछ आरोप लगाए थे जिन्हें बाद में उसने स्वयं से ही डिनाई कर लिया है। पीड़ित की आवश्यकता को देखते हुए फायर एनओसी जारी कर दी गई है। शंकरलाल मेघवाल जो कि निवासी नोंदरी मालदेव है, इनकी जो दुर्घटना हुई थी या बाड़ी गाड़ी के यहाँ साथ 3 लड़के जड़ी थी, इनके द्वारा दुर्घटना बीमा रिपोर्ट ली गई फायर ब्रिगेड से। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी लक्ष्मण नारायण भाटी द्वारा इनको रिपोर्ट नहीं दी गई। जब मेरे द्वारा फ़ोन किया गया तो उन्होंने रिसीव नहीं किया और इनसे नाजायज तरीके की मांग की गई है। उसमें एसी मांगा गया और इन्वर्टर मांगा गया था। जब इनके द्वारा ऑफर कर दी गई इसके बावजूद भी उनके द्वारा रिपोर्ट बनाकर नहीं दी गई और जब इसकी शिकायत उच्च अधिकारी अंसारी जी को की गई तो उनके द्वारा ये बोला गया कि गुरुवार को आ जाना। जब आज दिनांक गुरुवार को ये पता चला तो उन्होंने बोला कि 28 तारीख को ही रिपोर्ट मिलेगी, आज कोई रिपोर्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, आयुक्त साहब वगैरह किसी से भी बात कर लूँ। मेरे द्वारा अंसारी जी से बात की गई तो बदतमीजी की गई है और इस उच्च अधिकारी के श्रेय पे ही इनके अधीनस्थ कर्मचारी लक्ष्मण नारायण भाटी द्वारा इन्वर्टर की मांग की गई है। ये प्योरली संदिग्ध पाया गया है ये मामला। इसका विरोध हम युवा शक्ति द्वारा किया गया है आज नगर परिषद में और साथ ही भाजपा पार्षदों द्वारा भी सहयोग किया गया है। बाड़ी घाटी में तो पुलिस वहाँ से तो हमारे को रिपोर्ट मिल गई सर। नगर परिषद में बार बार चक्कर काटते थे, चक्कर कटाते रहे कि बोले वो फलाने दिन आना ये दिन आना। तो अभी सोमवार को मैं गया था सर, तब उन्होंने कहा कि इन्वर्टर या लाइट या वो एसी लगा दो कमरे में। तो मैं बोला साहब ये तो आपका गवर्नमेंट, हमारी इतनी गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी हैसियत देने में तो 5,000 रुपया आपको दे सकता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो भाटी जी साहब माने नहीं, फिर बाद में बोल रहे थे कि सोमवार को भी आना, बोले मैं जा रहा हूँ भी। पूरा दिन मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया। उसके बाद में मैं वापस आया था तो ये क्या नाम था उनका, नाम मैं जानता नहीं, पढ़ा लिखा इतना उन्हें, तो उनने कहा कि गुरुवार को आप आके हमारे से रिपोर्ट लेके जाना। तो गुरुवार को मैं आया तो उनने अंसारी जी ने बोला कि अभी साहब है नहीं, आप 27 तारीख को आना। बार बार चक्कर कटा रहे बाबू जी, क्या करूँगा फिर मैं, तो मैं तो बात करूँगा ना अधिकारी से। तो साहब से भी बात किया था तो उनने बोला कि फुलवारी जी नहीं है तो आप अपने ये क्या नाम उनका था वो नहीं है तो इनको रिपोर्ट तो दो, इनको चक्कर मारे। उसके बाद ही नहीं मेरे को रिपोर्ट नहीं मिली अभी तक सर। ऐसा है, 2 12 को
बाड़ी घाटी में कोई आगजनी की घटना हुई थी जिसमें कुछ व्हीकल गाड़ियां जल गए थे, तो उन गाड़ियों को जलने के प्रमाण पत्र NOC वगैरह लेने के लिए जो प्रार्थी है उसने आवेदन कर रखा था, और आवेदन करने का अभी जो समय है वो जो हमारे जो कार्य पूरा प्रमाण पत्र देने का समय पूरा हुआ नहीं था, लेकिन उनको जल्दी थी इस प्रमाण पत्र, तो उस क्रम में उन्होंने जल्दी प्रयास किया तो संबंधित कर्मचारी जो है वो छुट्टी पर होने के कारण उसकी अलमारी में फाइल्स रह गई थी, तो इस बात को लेकर उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए। बाद में उन्होंने उन एलिगेशंस के ऊपर खुद ने ही डिनाई कर दिया कि नहीं हमने ऐसी क्रोधवश बात कही थी, तो नियमानुसार हमने उनकी जो आपत्ति है वो खारिज कर दिया, NOC जारी कर दिया जो उनकी समस्या थी। खुशी केक एंड पेस्ट्री आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ, साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।